Hi Pranchi. Hi Ridhima. Hi Sonia. Hi Ishita. Hello Ishita. Hi Ishita. बहुत दिन हुए हम स्कूल ही नहीं गए. हाँ यार, बहुत मिस कर रही हूँ स्कूल को. स्कूल में हम सब साथ मिलते थे. वो मस्ती, वो खेलना कूदना. हाँ वो मस्ती, स्टैचू में प्रेस करना और खास करके दादाजी की स्टोरीज. हाँ सच में कितनी प्यारी मॉरल स्टोरीज है दादाजी की. तुम्हें वो वाली स्टोरी याद है? कौन सी? वो स्टोरी, अ न्यू गेम वाली. हाँ हाँ मुझे भी पता है. दादाजी जब छोटे थे तब वे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते सारे गेम्स खेलकर हो गए. फिर सब बच्चे सोचने लगे अब कौन सा नया खेल खेलेंगे. बहुत सोचने के बाद दादाजी के मन में एक सुझाव आया और उनने सब बच्चों को अपने पास बुलाया. दादाजी ने कहा था मेरे पास एक नया गेम है, खेलकर हम और हमारे साथ साथ दूसरों को भी आनंद आएगा. इस गेम में हम जरूरतमंद लोगों को चपाती खिलाएंगे. दादाजी के दोस्तों ने पूछा, लेकिन हम इतनी सारी चपातियाँ लाएंगे कहाँ से? हमारे माता पिता जो हमें पॉकेट मनी देते हैं, उससे हम आटा खरीदेंगे. दादाजी ने ये भी कहा था कि हमें हमारी माँ से कहना है चपाती बनाए. दादाजी ने बताई हुई गेम सब दोस्तों को बहुत अच्छी लगी और सब ने तुरंत पैसे जमा किए, आटा खरीदा और चपातियाँ बनाकर भी लाए. दादाजी ने चपातियाँ जरूरतमंद लोगों को बांटते हुए बड़ी विनम्रता से कहा, दीन बंधु दीन आनाथ तेरे हाथ. देखा हमारे दादाजी खेलते वक्त भी किसी न किसी की मदद करने का ही सोचते हैं. ऐसे होते संत. इस महामारी के समय ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता. आज दादाजी की ही सोच हमें इस कठिन समय में राहत दिखाने वाली है. जरूरतमंद लोगों की मदद करे, प्यासे को पानी दे, भूखे को रोटी दे, सब कुछ करे लेकिन कुछ भी करते हुए परमात्मा को धन्यवाद दे और वही कहे जो दादाजी कहते थे, दीन बंधु दीन आनाथ मेरी डोरी तेरे हाथ. तुम्हें वो वाली स्टोरी याद है? कौन सी? वो बोट वाली. अरे वो दादाजी बोट में प्रेयर करते हैं वो वाली ना? हाँ हाँ याद आ गई. तब हमारे दादाजी स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे और तब उन्होंने हमारे कॉलेज की पिकनिक ले गए थे. पिकनिक के दौरान सभी बच्चे दादाजी के साथ बोट में बैठे समुंदर की सैर का आनंद ले रहे थे. बोट समुंदर के बीचों बीच पहुंच चुकी थी. सब बहुत खुश थे और बातचीत कर रहे थे. लेकिन अचानक जोरों जोरों से बिजलियां बारिश शुरू हो गई और तूफान आ गया. सबके मन में घबराहट सी थी. सब लोग चिंतित हो गए. क्या करे क्या ना करे किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. किसी को लग रहा था कि बोट उल्टी हो जाएगी, तो किसी को लग रहा था कि बोट चलाने वाला हमें बचा लेगा. लेकिन परिस्थिति बहुत भयंकर थी. पर दादाजी शांत बैठे हुए थे. सभी ने दादाजी को देखा और सब आश्चर्यचकित रह गए. इतने कठिन हालातों में भी दादाजी शांत क्यों बैठे हैं? सभी बच्चों ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप इतने शांत क्यों बैठे हो? क्या हम इन हालातों से बच सकते हैं? बच्चों ने पूछा. बच सकते हैं? वो कैसे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दादाजी ने कहा, प्रार्थना. बच्चों ने पूछा, प्रार्थना? अगर कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करे तो भगवान जी उसे जरूर सुनते हैं.
सब बच्चों ने, दादाजी ने और बोट चलाने वालों ने सब ने मिलकर प्रार्थना की और कुछ ही देर में तूफान शांत हो गया। सभी बच्चों ने और बोट वाले ने दादाजी के प्रति और परमात्मा के प्रति अपने आभार प्रकट किए। आज इस बीमारी से हर कोई डर रहा है, दवाई नहीं मिल रही और मौत का तांडव चल रहा है। ऐसे में दादाजी और उनके जैसे संतों की दी हुई सीख इस विश्व को बचा सकती है। हम सबको सच्चे दिल से प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, सही है तुम्हारी बात। तुम्हें वो वाली स्टोरी याद है, वो जो दादाजी ने हमें सुनाई थी? हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये सीख देने वाली। कौन सी? जरा याद तो दिला। अरे वो राजा वाली। हाँ, दादाजी हमेशा कहते थे कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान खुद हमारी मदद करते हैं। गरीबों का मुंह गुरु की गोलक होती है। एक बार एक राजा के राज्य में अकाल पड़ गया था। लोगों को दाने दाने के लिए तरसना पड़ रहा था। लोगों ने राजा से मदद की गुहार लगाई। राजा ने मदद करने की सोची, लेकिन पहले उसने प्रजा को परखना चाहा। उसने सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की, लेकिन भोजन हॉल में जाने से पहले हर व्यक्ति के दोनों हाथों के कोनी पर एक लकड़ी का टुकड़ा बांध दिया। लकड़ी का टुकड़ा इस तरह बांध जाता था ताकि कोई भी व्यक्ति अपना हाथ मोड़ ना सके। अब जब लोग खाना खाने जाते तो खाना ले तो लेते, पर खाना मुंह में नहीं डाल सकते, क्योंकि खाना मुंह में डालने के लिए अपना हाथ मोड़ना पड़ता था। लोगों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। लोग भूखे के भूखे ही घर लौट आते थे। एक दिन एक संत आए। सभी ने अपनी तकलीफें उनको बताई। संत महात्मा मुस्कुरा दिए और बोले, आप सब स्वार्थी हो, आप लोगों ने सिर्फ अपने लिए सोचा, इसीलिए आप सब भूखे रह गए। आप अगर दूसरों की सोचोगे तो आपका भी भला होगा। बात लोगों की समझ में आ गई थी। हम अपने हाथ से खुद की भूख तो नहीं मिटा सकते, लेकिन दूसरों की भूख मिटा सकते हैं। अगले दिन से लोगों ने एक दूसरे को खिलाना शुरू किया, जिसके लिए हाथ मोड़ने की जरूरत नहीं थी। इस प्रकार हर किसी का पेट भर गया। इस प्रकार हमारे जीवन में इतनी सारी मजबूरियों ने हमारे हाथ बांध दिए। फिर भी अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भला अपने आप हो जाएगा।